फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको दर्शन कराने जा रही हूँ बालाजी महाराज के मंदिर, जो कि शिकोहाबाद यूपी में है। बहुत प्राचीन मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हर मनोकामना पूरी होती है। भक्तजन अपनी मनोकामना पूरी होने पर यहाँ पर झंडा लगा के जाते हैं बाबा के दरबार में, और बहुत तादाद में यहाँ मेला लगता है, बहुत बड़ी तादाद में। हर साल हनुमान जयंती पर, अप्रैल में जो हनुमान जयंती आती है, तब यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। बाकी तो हर मंगलवार यहाँ छोटे लेवल पर मेला लगता ही है, और हम भी अक्सर मंगलवार को या शनिवार को यहाँ पर आते हैं, लेकिन मेला जो लगता है वो मंगलवार को लगता है। तो देखिए, आपको अंदर के दर्शन कराते हैं, और मैं और हमारी अनीता मैम तो अक्सर यहाँ आते हैं। हम दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स प्लस कलीग हैं, और हर मंगलवार तो नहीं कह सकते, हर शनिवार भी नहीं कह सकते, लेकिन हम जब भी आते हैं यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ के जाते हैं और काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और दिखाएंगे आपको कि हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की, क्योंकि बाबा के दर्शन करने आए थे तो शॉपिंग भी बनती थी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप भी यहाँ पर जाएँ, और आपकी भी कोई मनोकामना हो तो बिल्कुल बाबा के सामने अपनी मनोकामनाएँ रखें, क्योंकि विश्वास से बड़ा उस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस मंदिर में भूत प्रेत जैसे जो बीमारियां हो जाती हैं, उन पर का भी इलाज यहाँ पे किया जाता है। हमने वो एरिया देखा तो नहीं था इस तरह का कुछ होते हुए, लेकिन हाँ वो एरिया है, वहाँ के दर्शन हमने किए थे दूर से। तो वीडियो आप देखते रहिए। ये जो घंटियाँ दिख रही हैं, इतनी पुरानी घंटियाँ हैं, इतनी पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी दिखती हैं, बिल्कुल पीतल की ये घंटियाँ हैं। और इसके बाद हम आ गए बाहर मेले में। ये मेला जो मंगलवार को मेला लगता है, वो मेला है जहाँ हमने छोटी छोटी चीज़ें देखी, काफ़ी घूमे। जितना हम घूमे उतना हमने शॉपिंग नहीं किया, बट हाँ, क्योंकि बाबा के दर्शन करने आए थे तो बिल्कुल कुछ ना कुछ खरीदना था, तो हमने काफ़ी चीज़ें खरीदी। काफ़ी चीज़ें बहुत सस्ती भी मिल रही थी, जो आप मॉल वगैरह से बहुत महंगी चीज़ें ईयर रिंग्स वगैरह खरीदते हो, या आर्टिफिशियल मैचिंग ईयर रिंग्स वगैरह, बड़े सस्ते सस्ते मिल रहे थे। काफ़ी कुछ शॉपिंग ना करते हुए भी हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ नई चीज़ें देखी। और रियल में अपना जो इंडिया है, अपना जो रियल इंडिया है, इस तरह के मेले में, इस तरह के लंगर्स में, यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमारी रियल इंडिया दिखता है, यहाँ पर हमारा रियल कल्चर दिखता है, यहाँ पर हमारे ज़मीन से जुड़े हुए लोग दिखते हैं, हमारी संस्कृति भी दिखती है। तो बहुत कुछ हमें अपने मेलों में देखने को मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे दुपट्टे हर आइटम था। मैं ये तो नहीं कहती कि आपको बहुत ब्रांडेड चीज़ें यहाँ मिल रही थी, बिल्कुल लोकल चीज़ें थी यहाँ पे, बट यस, हर कोई ब्रांडेड नहीं खरीद सकता और हर कोई लोकल भी नहीं खरीदता, लेकिन काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा था। और देखिए, ये तो आपको बचपन की याद दिला देंगी, जो कलरफुल टॉफीज होती हैं, संतरे वाली, खट्टा मीठा आम, आम पाचन, और पता नहीं क्या क्या इस तरह की खाने की चीज़ें, बहुत कुछ था, बहुत अच्छा लगा। मैंने ये तो पक्का खरीदा था, ये खाने वाली 5-5 रुपये की पुड़िया जो बहुत अच्छी होती है, और ये थी छोटी छोटी प्यारी प्यारी चप्पलें। खरीदी तो नहीं थी, लेकिन देखने में बहुत प्यारी थी, मैं बिल्कुल खरीदती अगर मेरे पास इतना छोटा बेबी या गर्ल होता तो, गर्ल्स की चप्पलें थी। तो देखिए, बहुत कुछ देखा, बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। जब भी मौका मिले बाबा के दर्शन करने जाइएगा, बिल्कुल कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, और आपकी मनोकामनाएँ, भगवान करे सारी मनोकामनाएँ आपकी पूरी हों। और को ये ज़रूर मानना कि भगवान इस कोरोना जैसी बीमारी से इस दुनिया को छुटकारा मिले। और अभी तो शायद यहाँ सब कुछ बंद होगा, लेकिन हम जब गए थे तब इतना ब्लॉकेज नहीं था, अभी सब कुछ बंद होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स। चेगा मोबाइल ना जाने दी।
मोबाइल खाई। हेलो ना चलो मत। फिर पास में रखे जब जरूरत पड़ती है, मम्मा चाहिए और दे देती हूँ। दस रुपये।